एग्जैक्टली मतलब मैं तो फादर नहीं बन सकता हूँ, तो ये किसी और का बच्चा है और विमान इसलिए इस वक्त बहुत गुस्से में है और पूरा आदमी को पता लगाने के लिए बोला है कि कौन है, पता लगाओ। एंड फाइनली नहीं पता लगता है तो वो बाहर चला जाता है और अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है। आदमी वहाँ से लेकर आती है और फिर एक मैकेनिक आता है जिसने इमली और सूरज को एक साथ देखा था गाड़ी में सोते हुए, और फिर मैं उस मैकेनिक को भी मारने लगता हूँ और भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो इस वक्त इमली के ऊपर, क्योंकि ये तो श्योर है कि मैं फादर नहीं बन सकता हूँ, तो किसी ना किसी का बच्चा तो है वो, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में, पता नहीं क्या करेगा आगे। वैसे रागिनी ने भी कुछ सबूत दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली, रागिनी इस वक्त पूरी तरीके से भाई का साथ दे रही है और वही मैकेनिक को लेके आई है और उसने बोला है कि उसने ऐसे देखा था उन लोगों को साथ में सोते हुए भी सड़क पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान की रिपोर्ट्स भी गलत हो? ये नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं स्टोरी के हिसाब से, बट रिपोर्ट्स तो उसने 2-3 डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है और सब रिपोर्ट्स वही हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने बोला है, तो उसने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वही आई हैं, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा श्योर है कि वो फादर नहीं बन सकता। तो अब विमान और सूरज के बीच में और कितनी कड़ी दुश्मनी हो गई? ऑलरेडी इतने हम दुश्मनों की तरह हो गए हैं, अब इस बार तो लगता है किसी का खून बहेगा या तो उसका या तो मेरा। थैंक यू। तो विमान को खबर पड़ी है कि इमली प्रेग्नेंट है, तो किस तरह पैरों तले जमीन खिसकी? एग्जैक्टली, मतलब मैं तो फादर नहीं बन सकता हूँ, तो ये किसी और का बच्चा है और विमान इसलिए इस वक्त बहुत गुस्से में है और पूरा आदमी को पता लगाने के लिए बोला है कि कौन है, पता लगाओ। एंड फाइनली नहीं पता लगता है तो वो बाहर चला जाता है और अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है। आदमी वहाँ से लेकर आती है और फिर एक मैकेनिक आता है जिसने इमली और सूरज को एक साथ देखा था गाड़ी में सोते हुए, और फिर मैं उस मैकेनिक को भी मारने लगता हूँ और भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो इस वक्त इमली के ऊपर, क्योंकि ये तो श्योर है कि मैं फादर नहीं बन सकता हूँ, तो किसी ना किसी का बच्चा तो है वो, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में, पता नहीं क्या करेगा आगे। वैसे रागिनी ने भी कुछ सबूत दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली, रागिनी इस वक्त पूरी तरीके से भाई का साथ दे रही है और वही मैकेनिक को लेके आई है और उसने बोला है कि उसने ऐसे देखा था उन लोगों को साथ में सोते हुए भी सड़क पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान की रिपोर्ट्स भी गलत हो? ये नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं स्टोरी के हिसाब से, बट रिपोर्ट्स तो उसने 2-3 डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है और सब रिपोर्ट्स वही हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने बोला है, तो उसने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वही आई हैं, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा श्योर है कि वो फादर नहीं बन सकता। तो अब विमान और सूरज के बीच में और कितनी कड़ी दुश्मनी हो गई? ऑलरेडी इतने हम दुश्मनों की तरह हो गए हैं, अब इस बार तो लगता है किसी का खून बहेगा या तो उसका या तो मेरा। तो विमान को खबर पड़ी है कि इमली प्रेग्नेंट है, तो किस तरह पैरों तले जमीन खिसकी? एग्जैक्टली, मतलब मैं तो फादर नहीं बन सकता हूँ, तो ये किसी और का बच्चा है और विमान इसलिए इस वक्त बहुत गुस्से में है और पूरा आदमी को पता लगाने के लिए बोला है कि कौन है, पता लगाओ। एंड फाइनली नहीं पता लगता है तो वो बाहर चला जाता है और अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है। आदमी वहाँ से लेकर आती है और फिर एक मैकेनिक आता है जिसने इमली और सूरज को एक साथ देखा था गाड़ी में सोते हुए, और फिर मैं उस मैकेनिक को भी मारने लगता हूँ और भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो इस वक्त इमली के ऊपर, क्योंकि ये तो श्योर है कि मैं फादर नहीं बन सकता हूँ, तो किसी ना किसी का बच्चा तो है वो, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में, पता नहीं क्या करेगा आगे। वैसे रागिनी ने भी कुछ सबूत दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली, रागिनी इस वक्त पूरी तरीके से भाई का साथ दे रही है और वही मैकेनिक को लेके आई है और उसने बोला है कि उसने ऐसे देखा था उन लोगों को साथ में सोते हुए भी सड़क पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान की रिपोर्ट्स भी गलत हो? ये नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं स्टोरी के हिसाब से, बट रिपोर्ट्स तो उसने 2-3 डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है और सब रिपोर्ट्स वही हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने बोला है, तो उसने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वही आई हैं, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा श्योर है कि वो फादर नहीं बन सकता। तो अब विमान और सूरज के बीच में और कितनी कड़ी दुश्मनी हो गई? ऑलरेडी इतने हम दुश्मनों की तरह हो गए हैं, अब इस बार तो लगता है
किसी का खून बहेगा या तो उसका या तुम्हें। थैंक यू।